जनसंख्या दर घट रहा है। तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया है हिंदुओं जनसंख्या घटाओ, ऐसा है क्या? बाकी लोगों क्यों बढ़ रही, तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? ये कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़ी है, ये समाज का वातावरण है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप हिंदुओं को ये तो कह रहे हैं कि आप ज्यादा बच्चा पैदा करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन आरएसएस के हेड को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो श्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र की सरकार को भी ये बताएं, ये दो से ज्यादा तो बच्चे जरूर पैदा कर लेंगे, क्या उनको ये रोटी रोजी के साधन दे पाएंगे? मोहन भागवत जी हो या समस्त जो संघ परिवार है, ये देश को इन्हीं चीजों में उलझा के रखना चाहते हैं, और देश की जो मूल समस्या है वो है गरीबी है, बेरोजगारी है। देखिए, कोई भी पॉलिसी लागू हो किसी भी देश में तो समान रूप से लागू होनी चाहिए। जनसांख्यिकी असंतुलन हमेशा खतरनाक होती है, और यह देश जनसांख्यिकी असंतुलन के दुष्परिणामों को झेल चुका है। जनसंख्या के जो जनगणना के आंकड़े आए हैं वो हमें एक चेतावनी देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई पॉलिसी लागू होनी है तो सबके लिए समान रूप से पूरे देश के अंदर लागू, किसी भी स्थिति में गलत नहीं माना जा सकता है। मैंने कहा ना, कोई भी नीति लागू होनी है पूरे देश के अंदर एक समान रूप से लागू होनी चाहिए। जनसांख्यिकी असंतुलन समाज के हित में, राष्ट्र की एकता अखंडता के हित में नहीं है। बिल्कुल सहमत। तो दर्शक हैं, उनकी राय के साथ आगे बढ़ते हैं। कृष्णा कौरानी जी जयपुर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। कृष्णा जी नमस्कार। तारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। तारिक साहब, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को बहुत बहुत बधाई दूंगा जी। नंबर एक, क्योंकि कम से कम आज भाजपा ने इस चीज को तो माना, केंद्र के अंदर कांग्रेस ने 50 साल राज किया, आपके विधायक के ऊपर जब भी देखता हूँ ये उठा के एक ही बात कहते हैं, सब आपने 70 साल वर्ष राज किया, आपने क्या किया? तो मैं इन्हीं की बात का इन्हीं के मुंह पर जवाब दे दूं साहब कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया था वो तो आप नहीं कर पाए। और रही बात आज मोहन भागवत वाले स्टेटमेंट की, आबादी बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। मेन चीज आप रोजगार की तो प्राप्ति करो, आपके 2.5 साल के राज के अंदर बहस इसी पर आ रही थी कृष्णा जी। धन्यवाद आपका। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताएं सर, बच्चे एक हो या 10 हो लेकिन काबिल हो, बच्चों को काबिल बनाए जो अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। दूसरे मैं ये कहूंगा, ये चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दें, बच्चे किसी को एक दिन है या 10 दिन है वो खुदा के हाथ में, भगवान के हाथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सुरेश उपाध्याय साहब आपका रुख करता हूँ। पहले सवाल आपने कुछ खड़े किए थे, मैं उन सवालों को जानना चाहता हूँ। किससे जवाब चाहेंगे, सुरेश जी से या फिर शकील साहब ने सब निकाला बोला था कि यहाँ युद्ध हो रहा है कि जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। मैं इतिहास ही याद करा रहा हूँ, इस देश का बंटवारा 47 में हुआ, धार्मिक जनसंख्या के आधार पर हुआ। आज सत्ता के परिवर्तन तलवार से तोप से नहीं हो रहे हैं, एक बैलेट से हो रहे हैं। 5 साल में एक बैलेट का अधिकार मिलता है, उस बैलेट के अधिकार के आधार पर सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके ज़्यादा मत उतने ही ज़्यादा उसकी सरकार। आज सत्ता परिवर्तन के लिए बैलेट का जो प्रजातंत्र है उसमें जनसंख्या का जो अनुपात बिगड़ रहा है वो देश के लिए, इस हिंदुस्तान के कल्चर के लिए, देश के कल्चर के लिए बहुत घातक है। यहाँ सवाल यह है कि भागवत जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान अपनी जनसंख्या घटाएं, उनका हिंदू भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएं ताकि अनुपात बना रहे। नहीं तो वो खतरा किस बात का है? वो खतरा इस बात का है, इस बात का है कि पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ 18% हिंदू घट के 2.5% रह गया, अफगानिस्तान 150 साल पहले अलग हुआ, वहाँ हिंदू नहीं है। जहाँ जहाँ मुस्लिम, अभी मैंने जो 3 रिपोर्ट आपकी पढ़ी हैं वो तो यूरोप के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में नहीं है। उन्होंने खतरा कह दिया कि 2050 तक उनकी कल्चर और उनका धार्मिक खतरे में है, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के कारण से। वहाँ शकील साहब आता हूँ, मैं आपके पास भी आता हूँ एक बार। सुरेश जी को मैं एक चौधरी साहब का एक जवाब देता हूँ। तुर्कमान गेट हुआ था, चौधरी साहब को बता दूँ, इनके एक नेता बहुत ऑफेंसिव नेता थे, संजय जी गांधी, बहुत अच्छे थे, और उन्होंने इमरजेंसी लगा करके इस परिवार नियोजन को सबके ऊपर लागू किया था, हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, और मुसलमानों के ऊपर लागू किया तो तुर्कमान गेट कांड हुआ था। चौधरी जी अपना इतिहास पढ़ के आया करें और सोचा करें, कांग्रेस ने लागू किया है। चलिए सुरेश चौधरी जी जवाब दीजिए, मैं शकील भाई आपका रुख करूंगा इसके बाद। आज बैकफुट पर क्यों जा रहे हैं? या तो कह रहे संजय गांधी ने गलत किया था, इंदिरा गांधी ने गलत किया था, इमरजेंसी छोड़ो आप, 75 में इमरजेंसी में तुर्कमान गेट कांड हुआ, इसी परिवार नियोजन कांड, या तो कह रहे उन्होंने गलत किया था। आपके कल्चर और आपके आचरण, आपके व्यवहार को सबको जानते हैं। भारद्वाज जी आप पहले तो ये करें कि पहले तो भारत में आए हैं, आप विश्व की उड़ान ना करें।
भारत का संतुलन बिगड़ने का सुधरने का हिंदू कथाकथित हिंदू खुद बनने की चेष्टा न करे। मैं भी हिंदू देश के अंदर। अभी कह रहे थे महेश जी कि 50 साल में कांग्रेस, मुकेश जी 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल में कांग्रेस ने जो किया वो तो वर्तमान भारत का निर्माण आपके सामने है। आप तो 2.5 साल की बता दें पीछे के इतिहास में। मैं वाजपेयी जी के, मुरारी अटल बिहारी जी के, इनके इतिहास में नहीं जाना चाहता। 2.5 साल में आपने इस देश को कहा था कि 10 करोड़ को रोजगार देने का काम करेंगे केंद्र में और 15 लाख को रोजगार देने का काम करेंगे स्टेट में। तो आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया वो बताओ ना। केंद्र में कितने लोगों को रोजगार दिए वो बताओ ना? आपका मतलब आबादी बढ़ाने का विकल्प हो सकता है लेकिन उसके साथ में अवसर दिए जाए। आबादी आबादी किसकी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, वो व्यक्ति का सोच है, व्यक्ति का निर्माण है, व्यक्ति का स्वभाव है। आप हिंदू के मालिक कैसे बन के कैसे हिंदू बढ़ाओ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जनसंख्या घटनी चाहिए, उसमें मुसलमान की भी घटनी चाहिए, हिंदू की भी घटनी चाहिए, सिख की भी घटनी चाहिए, ईसाई की भी घटनी चाहिए और चारों को देश को निर्माण करने में लगना चाहिए। चलिए शकील साहब आपकी राय बताएं। सर मैं अभी माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से वो वोटों का राजनीतिक होगी, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या आप मुसलमानों को अपनाने की कोशिश करेंगे कभी? आपने ये आपका वक्तव्य ये जाहिर करता है कि मुसलमान अलग है, यानी एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है। इस देश में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आज मेरे को खुशी है कि मेरा जो पड़ोसी है वो हिंदू है, आज मुसलमान को खुशी है, हिंदू को खुशी है कि उसका पड़ोसी हिंदू है। देश में 700-800 साल मुसलमानों का राज रहा। अगर उस वक्त मुसलमान अगर चाहता तो वो जनसंख्या वो धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता था, लेकिन मुसलमान शुरू से मेरी बात सुनो, गलत बोल रहे हैं। औरंगजेब ने, हुमायूं ने, बाबर ने, देखिए वो तो जो इतिहास इतिहास जो जिस हिसाब से लिखेगा ना, नहीं इतिहास जो आदमी लिखेगा लिखेगा। आज एक आदमी को चांटा मारता है तो हर आदमी, चार आदमी से पूछ लो, चारों आदमी की राय अलग होगी। आप ऐसे तो, नहीं, 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 ये आप गलत सोचे। आप देश में बड़ा धर्म परिवर्तन मुसलमानों के साथ 600 साल में। नहीं नहीं कुछ नहीं, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो आज मुसलमान बहुसंख्यक होता, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं होता। कितने मुसलमान आए यहाँ पर? क्या कितने 5,000 मुगल आए थे बाबर के साथ, 4,500 मर गए थे, 500 लोग बचे थे, सारे कन्वर्टेड हिंदू मुसलमान। तो उस वक्त तो पूरे पावर में थे, उस वक्त क्यों नहीं हुए? आप कह रहे परिवर्तन नहीं किया। मुकेश जी आपके पास भी आऊंगा दो दर्शकों के पास। मैं सुरेश उपाध्याय जी की बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता। ये नहीं नहीं इतिहास, आपके इतिहास को, अरे सुरेश उपाध्याय जी मैं आपके इतिहास की बात कर रहा हूँ, आपके विचारों आपके इतिहास की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे हिंदुओं से ही मुसलमान बने हैं तो आपकी तो भाषा इतनी मधुर होनी चाहिए, आप में तो प्यार का रस बरसना चाहिए। आप हर उस मुसलमान को हाथ जोड़ के कहो अरे मेरे भाई हिंदू बन जा, बन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। नहीं नहीं ये भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप टोपी भी गांधीवादी नहीं पहनते, काली पहनते हैं। आपके सिद्धांत और आपके विचार इस देश में तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश का जोड़ने का काम करे। भारद्वाज जी उम्र आपकी जा रही है, सोचो कुछ कर जाओ। चलिए मैं सरकारी पक्ष पर भी आऊंगा, उससे पहले शौकत अली साहब डीडवन से आ रहा हूँ मुकेश जी, और राजेंद्र जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि आज देश इस वाले ऐसे जहरीले भाषण बोल रहे हैं, जैसे एक समुदाय के लिए तो इनका भाषण ऐसा है कि जैसे इनके नफरत, इनको नफरत है। जैसे अब भगवत ने बोला कि बच्चे पैदा करो, हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए, कोई भी रोकता। अब हिंदुओं को इतनी, अभी कितने बेचारे कुंवारे मर जाते हैं, उनकी औरतों के बारे में तो कोई सोचते ही, शादियों के बारे में सोचते ही नहीं है, और बोलते हैं बच्चे पैदा करो, बच्चे कहाँ से लाएंगे, उनकी शादियां ही नहीं हो रही है, कितने बनिए, कितने जाट, कितने। चलिए मैं इस पहलू पर भी लौटता हूँ। शौकत साहब धन्यवाद आपका। राजेंद्र जैन साहब नमस्कार। आप सबको नमस्कार साहब। हाँ जी बताएं सर। राष्ट्रहित, धर्म हित, देश हित में बच्चे पैदा करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको फैक्ट्री मत बनाओ और एक दिन की छुट्टी भी रखो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश पारिक साहब क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार, ये जो धार्मिक विभाजन का डर है, सियासी वोटों के बीच की गणित में मजहब के फंसने का डर है, यूपी चुनाव का डर है, इस डर को हटा पाएगी? अभी
सुरेश जी बड़ी वैसी धार्मिक और इस टाइप की बातें कर रहे थे कि हमको ये करना चाहिए, संघ को ये करना चाहिए। इनके एक नेता हैं, मैं उन्हीं की बात बताता हूँ कि इनके नेता क्या बोलते हैं और ये उन चीज़ों को भूल जाते हैं। मणि शंकर जी ने, जो इनके नेता हैं, ये जानते हैं उनको, उन्होंने इज़राइल में, एक मिनट सुनिए आप, मैं अब देखिए, अब आप डिस्टर्ब करते हैं, आप ये तो सुनते नहीं, आप पहले कंप्लेंट देख रहे हैं हमारे से, तो आए बिल्कुल नहीं नहीं, आप बात सुनिए, चलिए एक बार मणिशंकर जी क्या कहते हैं सुन लेते सुरेश जी। मैंने वो कहा जब आपका हमारे 50 साल का इतिहास बताओ ना, स्वतंत्रता सेनानी का इतिहास, आपका 50 साल का, आप बीजेपी का 50 साल का स्वतंत्रता सेनानी का इतिहास बताओ ना, आप सुनते हैं इतिहास बताओ तो, आप सुनिए, आप फिर हमारे नेताओं क्या बताना। चलिए मुकेश पारिख साहब, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर की क्या बात है। इसराइल में यहूदियों से टक्कर लेने के लिए मुसलमानों का आह्वान किया कि अगर आपको यहूदियों से टक्कर लेनी है तो आप अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, तब तो सुरेश जी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। नहीं मुख्य, आप सुनिए, आप उसका उसकी सत्यता मालूम करिए, ऐसा अगर अगर आपको ध्यान नहीं है ऐसा करिए, हम बिल्कुल नहीं करके लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ ये दावा करता हूँ, आप तो भागवत के बाद में बताओ ना, भागवत के आप पक्ष में क्या, आप इसके, हम बता रहा हूँ, आप हमसे हमारे दो दिन भाई कुंवर है, बिल्कुल आप बता रहे हैं, अब आप सुनिए, मैं आपको पहला ये दावा करता हूँ, आप मेरे इसके बाहर भी, चैनल के बाहर भी मैं इसकी सत्यता आपके सामने पेश कर दूंगा, आप मणिशंकर जी से कंफर्म कर लें कि उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा। आज आपको भागवत जी के उस बयान पर ऐतराज है, हालांकि भागवत जी का जो बयान है उसकी आपको उसके बारे में क्या सुनना है क्या कहना है, सुरेश जी उपाध्याय आपको बहुत अच्छे तरीके से बता, हमारी पार्टी बिल्कुल हमारी हमारी सहमत है, हमारी हमारी पार्टी क्या कर रही है, आपका तो स्टैंड बताइए, हमें नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं परिवार नियोजन को लागू करना चाहिए, देश को तरक्की करना चाहिए, भूखमरी खत्म करनी चाहिए, रोजगार बढ़ाना चाहिए, अरे आप मंदिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ना चाहिए, हमने कर दिया 370 की बात खत्म करनी चाहिए, कश्मीर में आपने पंगा कर रखा है बंद करना चाहिए, आप जो देश जो हिंदुओं को कत्ल करने की बात करते थे उनके साथ हाथ चला रहे और दोहरी बात बिल्कुल नहीं, आप दोहरी बात सर कांग्रेस, चलिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक पर जा रहा हूँ, लौट रहे हैं, चर्चा का मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है ब्रेक के उस पार, दोहरी बातें करते हो। यही चाहते हैं कि यूपी इलेक्शन सामने है तो आज इनका एक ही मोटो है कि किसी भी तरह आपस में विभाजन हो जिससे ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। सरकार का एक तरह से अंग है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख अंग है संघ, और मोहन भागवत जी का ये कहना कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, इस देश में पहले से ही खाद्यान्न का अभाव है, दूसरे की शिक्षा के का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, जो लोग हैं उनको ये संसाधन पूरे नहीं हो पा रहे, ऐसी स्थिति में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का ये कहना कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, मेरी तरह का सार्थक नहीं, देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है।